हाय गाइस, आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार है। आज मैं आपको एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल शॉट। तो गाइस चलिए अब एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। बेसिकली एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट क्या होता है? एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट का वर्जन है। बेसिकली ये हम तब शूट करते हैं जब हमें किसी भी क्लोजअप शॉट को बड़े डिटेल में दिखाना होता है। किसी भी सिनेरियो को आप क्लोजअप शॉट में शूट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वॉच को शूट किया है। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट क्या होता है वो हमने जान लिया, अब इसे हम कैसे ले सकते हैं? तो इसे हम बहुत डिफरेंट कैटेगरी से ले सकते हैं। सबसे पहला नंबर है स्टैटिक पोज में आप ले सकते हैं, स्टैटिक शॉट में। दूसरा है आपका पैनिंग के तरीके से ले सकते हैं, और तीसरा आपका टिल्ट के फॉर्म में ले सकते हैं, और मेरा सबसे फेवरेट है पुश इन और पुश आउट फॉर्म में ले सकते हैं। तो इसका सबसे मेन पार्ट ये एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट क्यों लिया जाता है, क्योंकि जब हमें किसी भी पार्ट को बड़ी डिटेलिंग में दिखाना होता है तब हम इस एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट को लेते हैं। लाइक जैसे मैंने बुक को बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग में दिखाया है इस शॉट के थ्रू, ऐसा ही सिमिलर एक शॉट मैंने लिया है जब मैं आपको कप को बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ, और ऐसे ही सेम और सिमिलर शॉट है जब मैं आपको की बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। सो ऐसे ही डिफरेंट शॉट्स लेते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, जिसमें हम बेसिकली एक कैरेक्टर को बताते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक कैरेक्टर को दिखाया है, जब मैं कैरेक्टर को दिखा रहा हूँ कि वो बुक रीड कर रहे हैं तो वो कैसे लगते हैं, तो हम तब इस सिनेरियो को यूज़ करते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।